60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री मुमताज ने खुद को लेकर एक चौंका देने वाली खबर शेयर की है। शॉकिंग खबर इसलिए क्योंकि मुमताज ने खुद के बारे में एक ऐसी चीज शेयर की है जिसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। दिग्गज अभिनेत्री मुमताज को बीते दिनों डायरिया की शिकायत के बाद ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। कुछ दिन के इलाज के बाद एक्ट्रेस डिस्चार्ज हो गई हैं। एक इंटरव्यू में अपनी हेल्थ पर बात करते हुए मुमताज ने बताया कि वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड कोलाइटिस से पीड़ित हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड कोलाइटिस एक तरह से डायरिया अटैक जैसा होता है जो कि दवाई लेने से भी ठीक नहीं होता है। बीमारी के बारे में बात करते करते मुमताज ने एक हैरान करने वाली बात भी शेयर की है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें 25 साल पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। इलाज के दौरान उनके लेफ्ट हैंड के लिम्फ नोड्स को हटा दिया गया था। इसी वजह से जब वो अब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो ड्रिप के लिए सिर्फ उनके दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया गया जो कि काफी दर्द भरा था। 74 साल की उम्र में काफी दर्द झेलने के बाद मुमताज अब घर तो वापस आ गई हैं, लेकिन अब वो मुंबई में नहीं रहेंगी। मुमताज का कहना है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान उनके पति लंदन से इंडिया आ रहे थे पर उन्होंने ही रोक दिया था, इसलिए अब वो 10 मई को अपने हस्बैंड के पास लंदन जा रही हैं। आशा करते हैं कि मुमताज को अब दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ेगा। वेल, आप सदाबहार एक्ट्रेस मुमताज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।